नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर जानलेवा हमला किया गया है। कार सवार हमलावरों ने रावण पर फायरिंग की, गोली चंद्रशेखर को छूकर निकल गई। हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए। ऐसे में एक बार फिर चंद्रशेखर सुर्खियों में आ गए हैं, तो चलिए जानते हैं कि कौन है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर आज जो है उनका जन्म अगर बात करें तो 3 दिसंबर साल 1986 में सहारनपुर स्थित घड़कौली गांव में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, मां कमलेश देवी गृहिणी हैं। चंद्रशेखर आजाद 5 भाई बहन हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देहरादून से लॉ की पढ़ाई की है। चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन सहारनपुर के एक अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान दलितों पर हुए अत्याचार को देखते हुए वो समाज सेवी बन गए। चंद्रशेखर सबसे पहले साल 2017 में चर्चा में आए थे। चर्चा में आने की वजह जाति संघर्ष थी। हिंसा के आरोपों के बाद भीम आर्मी के मुख्य कार्यधर्ता चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर की अगुवाई में 25 युवा भीम आर्मी संभालते हैं। बता दें कि भीम आर्मी दलित शब्द के खिलाफ थे और अंबेडकरवादी सोच वालों का स्वागत करती थी। बता दें कि भीम आर्मी की संस्थापना दलित एक्टिविटी सतीश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन आर्य ने साल 2014 में की थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।